नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 18 मई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, आज के दिन थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। कहीं कहीं पर आपको ऐसा लग सकता है कि आप जिस दिशा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो आज के दिन इंट्रोस्पेक्शन या अवलोकन करने की सख्त ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आपको ड्राइव करना पड़े या आपको व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़े, तो थोड़ा सा वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र में नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी, बड़ी रहेगी। और अगर आपके परिवार में कहीं लॉन्गर टर्म से कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा जहाँ पर आपको लगता है कि पूरा परिवार सक्रिय होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो आप एक बेहतर कंसेंसस पे या एक बेहतरीन सल्यूशन पर आप आ सकते हैं आज के दिन। अगर आपके परिवार में हस्बैंड वाइफ को या आपके पार्टनर को या स्पाउस के साथ अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है, तो वो भी आज के दिन आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा। कुल मिला के आज के दिन थोड़ा सा अवलोकन करते हुए चलना है और अपने व्हीकल को इस्तेमाल सोच समझ कर करना है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि जो लोग आपको प्रोवोक करें कार्य क्षेत्र में, उस चीज़ से अपसेट मत होइए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए, अपनी अटेंशन को डाइवर्टेड रखिए, क्योंकि इन लोगों का काम आपके मनोबल को नीचे गिराना ही है कार्य क्षेत्र में। However, कितना भी आपके विरोधी आपके अगेंस्ट में काम करें या आपको प्रोवोक करें या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, एक चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है, किसी भी बात को पर्सनली ईगो पर नहीं लेना है। और कोई अगर आपका क्रेडिट अपने हिसाब से आपका किया हुआ काम आपसे छीन रहा है तो भी शांत रहना है, क्योंकि आपके हर संदर्भ में आपकी साख बनी रहेगी और आपके बारे में कहीं से भी कुछ भी चीज़ बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए आज के दिन कंट्रोल्ड होकर अपने रिएक्शंस को लेकर चलें, जिससे कि आपका दिन अच्छे से बीत सके। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो इमोशनली थोड़ा सा टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपने बहुत समय से रेस्ट नहीं लिया, सो मेंटली थोड़ा सा आप अपने आप को टायर्ड फील करेंगे। अगर आपने कहीं से ऋण लिया है, यानी कि अगर आपने लोन लिया है, चाहे परिवार के किसी सदस्य से लिया हो या कहीं और संस्था से लिया हो, तो आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव रहेगा, आप रेस्टलेस फील करेंगे। लेकिन आपको अपनी दिशा को चेंज करना है, यानी कि जहां पर आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आते हैं, एक तो आप मेंटली वैसे ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ऊपर से अगर आप दबाव लेंगे या मेंटल आप रेस्टलेसनेस के दौर से गुजर रहे हैं, अगर आप फिनेंशियली और टेंशन को लेकर चलेंगे तो आप बैलेंस नहीं बना सकते। इसलिए आज के दिन जो अगर आप एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ नया अगर फिनेंशियली खर्चा करने की सोच रहे हैं, तो वहां पर आपको चेक पॉइंट लगाना चाहिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन आप ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे या अपने आप को रेजुविनेट करने की कोशिश करते करते आप कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी केयरलेस एटीट्यूड दिखा देंगे। आज के दिन एक चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है और वो है कि आपको सेव करना है पैसा, ज़रूरत पड़ने पर ही खर्च करना है, अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले समय में परिवार की तरफ से अचानक से कोई लंबा खर्चा आ सकता है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस ना करें, जिससे कि आपकी सिचुएशंस इंटैक्ट रहे। रेस्टलेसनेस को अपने आप से दूर रखना है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तनाव में हैं, तो आपके बोले गए कटु शब्द आपके परिवार को या आपके पार्टनर को स्पेसिफिकली हर्ट कर सकते हैं। इसलिए बैलेंस बनाकर चलें, खर्चों पर लगाम लगाएं और कार्य क्षेत्र में अपना थोड़ा सा अटेंशन बना के रखें, नहीं तो आपके लिए टेंशन हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपनी सिचुएशंस को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी के दायरे में लाकर रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज़ ये है कि आपको रेस्टलेसनेस पे काबू पाना पड़ेगा। आपने अगर लैंड में, रियल एस्टेट में, पारिवारिक किसी समारोह के संदर्भ में इन्वेस्टमेंट करने की सोची थी, तो वहाँ पर आपको सिचुएशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा या आपके प्लान्स थोड़े से डिले हो सकते हैं।
आज के दिन आपका आपके बॉसेस से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बॉसेस से भी किसी चीज को लेकर लड़ाई हो सकती है, तो वहां पर आपको ईगो पर नहीं लेना है, पर्सनल नहीं होना है। कार्य क्षेत्र में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कम्युनिकेशन करके वन ऑन वन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना है, सर में दर्द या पेट में दर्द की शिकायत आज के दिन हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन अपने फूड हैबिट्स पे कंट्रोल रखना है, परिवार के साथ ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, अपनी अटेंशन को डाइवर्टेड रखते हुए पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना है, परिवार की भलाई के संदर्भ में परिवार के साथ आज के दिन आप लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और वो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकती है। थोड़ा सा दिन आपका धीरे धीरे बीतेगा लेकिन वो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। आज के दिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जो भी चीज़ आप पॉजिटिविटी के साथ एम्ब्रेस करेंगे वो लॉन्गर समय में आपके लिए कोई ना कोई एक माइलस्टोन लेकर आ जाएगी। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज आएगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, रेजुविनेटेड महसूस करेंगे, थोड़ा सा आपका एक ब्रेक भी हो सकता है कार्य क्षेत्र से थोड़े से अंतराल के लिए, आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा क्योंकि आप जो अपने लिए मी टाइम निकालेंगे उसमें आप काम करेंगे, आपका दिमाग दौड़ेगा और आप अपने आप के लिए कुछ ना कुछ और बेहतरीन स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। सुकून के साथ दिन को बिताने के लिए आपको अपने परिवार के साथ या अपने पार्टनर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिलता है वहाँ पर आज के दिन आपको अपना कम्युनिकेशन इंटैक्ट रखना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। भाई वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की बात करूं मैं तो आप ही अपने लिए सबसे अच्छे एक कह सकते हैं सलाहकार हो सकते हैं। आप ही को पता है कि आपके जीवन में क्या संघर्ष रहा है, क्या हाईज एंड लोज रहे हैं, तो आपके लिए आपसे अच्छा कोई एक मददगार या सलाहकार नहीं हो सकता। आज के दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू को भी थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट के दायरे में लाएंगे। हो सकता है आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके जानकारों को समझ में ना आए या उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा रिजेंटमेंट देखने को मिले, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आपके सुकून के लिए सही है, आपके मेंटल पीस के लिए सही है, तो आप उस सिचुएशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे, इंट्रोस्पेक्शन करने की भी आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, सॉलिट्यूड में भी आप रहेंगे, अकेलापन भी आज के दिन आपको अच्छा लगेगा, स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं ना कहीं आपको इजाफा होते हुए दिखेगा, कहीं ना कहीं कुल मिला के ये दिन आपके लिए यादगार साबित होगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन आपको कहीं ना कहीं से सरप्राइज मिल सकता है, कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके विरोधी सक्रिय तो होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स, आपके ऐसे कॉलीग जो हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए एक मौका ढूंढते रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखिए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या वो आपके कार्य क्षेत्र में हो। निजी व्यापार से संबंध रखते हैं तो आज के दिन एक्सपेंशन के मोड में रहेंगे या आपके विजन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि आप लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, यानी कि आपके मित्र, आपके जानकार आपके साथ साझेदारी करने के लिए कुछ ना कुछ आ सकते हैं या फिनेंशियली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे बातचीत भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र के विस्तार के भी कुछ ना कुछ आपके योग तैयार हो रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज के दिन की बात करूं मैं तो कुछ अचानक से कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो जिसके लिए बिल्कुल भी आप आज के दिन तैयार नहीं रहेंगे। इसी की वजह से आपको अचानक से तनाव हो सकता है, स्टमक संबंधित कोई ना कोई रोग हो सकता है। अगर आपने पिछले दिनों में कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा था, खास तौर पे लैंड में या व्हीकल में, और आप उसको सेल करने की सोच रहे हैं तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ शुभ संकेत मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई बायर आपको अप्रोच कर सकता है। आप अपने ही मन की आज करेंगे, अपनी ही सुनेंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपका लिया हुआ डिसीजंस बिल्कुल सही रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आज के दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको आने वाले स्ट्रेस से बिल्कुल भी सावधानी के साथ निकाल लेगा। आपको फालतू में आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, खास तौर पे अगर वो परिवार के बीच में हो रहा है। अपनी शांति बनाए रखें, किसी भी तरह से अपने ऊपर आपको स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना है। बैलेंस अप्रोच लेकर चलेंगे तो आप अपनी चीजों में पॉजिटिविटी होते हुए देखेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए।
कुंभ राशि वालों, आज के दिन आप अपने नजदीकी लोगों को हर्ट कर सकते हैं दो तरह से। एक तो जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी आप हो जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं। ऑनेस्टी अच्छी है, लेकिन अगर आपको लोगों को इस बात को पहुंचाना ही है जो आप फील करते हैं, थोड़ा सा समय देखकर, परिस्थिति देखकर, कंडीशन देखकर, सामने वाले की मनोव्यथा या उसकी मानसिक स्थिति देखकर अपनी बातचीत को आगे लाएं। इतना ही नहीं, आज के दिन आप फिनेंशियल इश्यूज में भी काफ़ी सक्रिय रहेंगे, सोच समझकर खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ अनावश्यक खर्चे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। वर्कलोड आपके ऊपर रहेगा, तनाव से ग्रसित भी हो सकते हैं या स्ट्रेस से आपको परेशानी हो सकती है अगर कार्य क्षेत्र में कोई टफ असाइनमेंट या टास्क आपको अचानक से लास्ट मिनट पे दे दिया जाए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, आप चीजों को लेकर जरूरत से ज्यादा तनाव में आ रहे हैं या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, आपको अपना नज़रिया कार्यक्षेत्र में बदलने की ज़रूरत है। लोगों से अपने फिनेंसिस के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में या आर्थिक उन्नति के संदर्भ में जो आपकी प्लानिंग चल रही है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर पे उनसे जो आपकी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ आपको नेगेटिविटी दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा टफ फेज आपको देखने को मिलेगा, चैलेंजेस अचानक से देखने को मिल सकते हैं, बॉस के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर आप ये कहें कि एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो वहाँ पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बैलेंस्ड अप्रोच आज के दिन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि सेकेंड हाफ के बाद आपको कार्य क्षेत्र से अवकाश लेना चाहिए, तो अपने आप को डिटैच कर लेने में ही भलाई है। इससे अच्छा तो ये है कि आप अपने आप को डिटैच करके अपने आप को रेजुमिनेट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप कार्यक्षेत्र में रहकर आर्ग्यूमेंट में किसी में पड़े। आज का दिन सोच समझ के व्यतीत करने की ज़रूरत है। आपको शुभ संकेत सेकेंड हाफ के बाद पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।